इंदौर के शीतल नगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला पानी भर रही थी, उसी दौरान अचानक चिल्लाने की आवाज आई, जिसके बाद परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाणगंगा थाना क्षेत्र के शीतल नगर में रहने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उर्मिला सुबह घर में पानी भरने के लिए मोटर चालू कर रही थी। इस दौरान अचानक महिला अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ी। परिजन तत्काल उपचार के लिए निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पहले तो महिला को करंट लगने की बात सामने आ रही थी, वहीं दूसरी ओर हार्ट अटैक का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप कर जांच शुरू कर दी है। सर, जब पानी की मोटर का वहाँ से करंट थी, मेरे को चिल्लाने की आवाज़ थी, तो मेरे को लगा है करंट लगा है, और मेरे को ये नहीं मालूम कि हार्ट अटैक है या करंट लगा है। उर्मिला बोल चिंता लगा मेरी मैसेज नहीं, पानी भरने के लिए मतलब लगा ही नहीं था, मोटर से बाहर निकाला है क्या, ये नहीं समझ में आया मेरे को कि करंट लगा है या अटैक आया। एकदम से चिल्लाने की एकदम से आवाज आई थी। हम लोग टूल केस में लेके गए थे, वहाँ से भी बोला बोले वहाँ से भी एम्बा भेज दिया था। एम्बाला तुमने सी जी वगैरह करी थी? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, 25 साल के आते हैं। तुम्हारा नाम बताओ। परिवार में हो, मेरे बच्चे में मेरे को तो सर अटैक कर संभाल में लग रही है, क्योंकि करंट का तो कोई सवाल भी होता वहाँ पर। एक नाम रमेश सिंह को, मैं 25 बोलता हूँ। शीतल नगर की घटना है। परिजनों ने बताया कि उर्मिला पति रमेश चंद्र, उम्र 55 साल, ये चढ़ाव के पास में बिजली का बोर्ड भी लगा है और वहीं पे पानी भरने की मोटर थी, तो जैसे ही चिल्लाने की आवाज़ आई तो ये दौड़े घर वाले, आगे देखा तो बेहोश हो गई, तो उसको हॉस्पिटल लेके आए तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उनका कहना है कि या तो करंट लगा या अटैक आया, लेकिन पूर्णतः उनके मालूम नहीं है कि मृत्यु कैसे हुई है। इस संबंध में जांच की जा रही है। मृत्यु का आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता थी, शीतल नगर में रहती थी। परिजनों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि बोले बिजली का बोर्ड भी लगा है वहीं पे और मोटर पानी की भी चल रही थी। अब ये बता नहीं सकते हैं हम कि बोले करंट लगा है या अटैक आया है। जो भी स्थिति है पीएम होने के बाद ही पता लगेगा। उप निरीक्षक जगदीश मालवी, थाना बाणगंगा, इंदौर।